अस्सलामु अलैकुम मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्मे कैम यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक, अच्छा और खुशहाल रखे। और आज की मुख्तसर सी वीडियो में सिर्फ दो पॉइंट बताने हैं, दो चीज़ें बतानी हैं, और वो दो चीज़ें जो हैं आपको हर रिश्ते में, हर दोस्ती में, हर मोहब्बत में काम आने वाली हैं आपके लिए। और बिलफर्ज बिलफर्ज आपको काम नहीं भी आता कोई आपके, या इन टिप्स पर अमल करके कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपकी ज़ात को नुकसान इसलिए नहीं होगा कि आपकी एक जो व्यू है, आपका एक जो ओपिनियन है वो क्लियर हो जाएगा। और वो ये है कि दोस्ती किसी किस्म की भी हो, मोहब्बत किसी किस्म की भी हो, रिश्ता किसी भी किस्म का हो, सबसे पहली चीज़ को हमेशा फॉलो करें कि किसी भी मसलहत के तहत, किसी भी खौफ से हट के, लाहसिल के खौफ से हट के, हमेशा अपनी असलियत, अपना आप जो है, जो आप हैं जैसे हैं वैसा दूसरे के ऊपर शो करें। यानी कोई झूठ और मिलावट आपकी ज़ात में नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने दोस्त पर बेवजह का शक ना करें। और बिलफर्ज कभी आपको ये महसूस होता है कि आपका पार्टनर, आपका दोस्त, आपका हिस्सादार, आपका इवन बिजनेस पार्टनर जो है वो किसी तरह से या किसी वजह से कहीं आपके साथ, आपके तल्लुक में बदती कर रहा है, तो आप जो है उसको बेशक बर्दाश्त, बेशक ना करें। लेकिन कल को तीन लोगों में बात हो या आपका अपना ज़मीर मुतमैन हो कि मुझसे ना इंसाफ़ी नहीं हुई, लुबे लुबाब आप, आज के इस मुख्तसर से वीडियो का ये है कि आपकी ज़ात की तरफ से किसी के साथ जो है किसी भी किस्म के तल्लुक में ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ बेवफाई कर गया है तो ये जहान मकाफात अमल का जहान है, वो अपना किया जो है वो ज़रूर भरेगा, लेकिन इससे एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका दामन जो है वो हमेशा साफ़ रहेगा। जहाँ रहें खुश रहें और कोशिश करें अपने आसपास के माशरे में आसानियाँ बांटने की, मोहब्बतें तकसीम करने की। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।